अस्मत गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 24वां। श्री गोदम्बाजी श्री नंद महल में श्री लाल जी के पास सभी सखियों सहित विराजी हैं। यहाँ जो सत्संग कालक्षेप में कुछ टाइम समय बिताते हैं वह बहुत ही ऊंची बात है। हम लोगों को मनुष्य योनि भगवान की कृपा से मिली है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हम लोग मनुष्य बने। बेटा धन स्त्री घर प्राप्त होना ही मनुष्य देह का फल नहीं है। मनुष्यों से हजारों गुना वैभव देवताओं को प्राप्त है। स्वर्ग के महल बगीचे और अप्सराएं स्त्रियां तथा खाने पीने को अमृत आदि इस प्रकार के सब सुखों को छोड़कर वे देवता मनुष्य का जन्म मृत्युलोक में चाहते हैं, क्योंकि यह लोक कर्म भूमि है। यहाँ पर जो जीव भगवान से मिलने की चाहना करे तो उसे अवश्य ही भगवान मिल सकते हैं। मनुष्य देह का आखिरी अंतिम उच्च श्रेष्ठ फल भगवान का मिल जाना है, अर्थात दूसरे शब्दों में मोक्ष होना चाहिए। अपने को भगवान मनुष्य देह दिए हैं और सत्संग भी दिए हैं, सार भाग यही कि भगवान मिले। यह सारा जगत सिनेमा नाटक के समान है और सराय धर्मशाला सा है। करोड़ों आए गए लोग सदा यहाँ नहीं रहे, कोई नहीं बचा। यदि गुरु पावरदार है अर्थात ब्रह्म संशय रहित अनन्य है और भगवान से हिला मिला है तो उनका सत्संग करना चाहिए। ऐसे गुरु ही भगवान से मिला सकते हैं। संसार की वस्तुएं क्षणिक नाशवान है, वे सभी छूट जाने वाली हैं। माँ बाप स्त्री पुत्र धन घर और 14 लोकों की सभी चीजें नाशवान है। गुरुजी की कृपा के द्वारा अर्थात श्री गुरु संबंध से ही भगवान मिलते हैं, तो फिर भगवान का संबंध कभी नहीं छूटता है। सब काल अवस्था में संबंध बना रहता है। भगवान रूपी धन गुरु देते हैं, ऐसे गुरु पर सदा गौरव रखना। कौन सी चीज गुरु जी दिए हैं, वह आखिरी चीज दिए हैं जिसका गौरव हम मानते हैं। उनकी डांट आदि पर कुछ बुरा भाव नहीं होता। किसी कारणवश गुरु जी निग्रह करें तो उसी को प्रिय मानते हैं। संसार में पुरुषों को स्त्री प्रिय होती है तो उस स्त्री के द्वारा सभी प्रकार से मान अपमान सहते हैं। दुनिया में सभी प्रकार का सुख आनंद क्षणिक है और सदा के आनंद भगवान को देने वाले गुरु हैं। यदि वे गुरु किसी प्रसंगवश डांटे समझाए तो उसमें गौरव ही मानना चाहिए। लाख शास्त्र सुना तो क्या है, बिना गुरु के कुछ काम का नहीं है। गुरु कृपा से बिल्कुल नजदीक हो गया है। यदि पत्तों में कांटा छेदे तो उसमें तो कुछ देर लगती है, परंतु उससे भी जल्दी श्री गुरु कृपा से परमपद पहुंच जाता है। श्रोताओं को चाहिए कि सूप और चलनी का उदाहरण ध्यान में रखें। श्रोताओं को सरोता नहीं बनना चाहिए, श्रोता को तो जनक जी के समान होना चाहिए। जनक जी के महल में आग लग गई अचानक, परंतु वे सत्संग से नहीं उठे, ऐसा चेला होना चाहिए। सत्संग में पैर पर पैर चढ़ाकर अकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। पैर पर पैर चढ़ाकर अकड़ करके सोटा समान जो बैठता है ऐसे को ज्ञान लागू नहीं होगा। सत्संग से भगवान जरूर मिलेंगे, परमपद मिलेगा, यह ऐसा सरल सुगम उपदेश है। बाप के मकान पर बेटे का हक होता है, जीव भगवान का पुत्र है, यही बात भली भांति समझ लेना चाहिए। संसार में पड़े रहने का कारण अहंकार और ममकार है। पाप और पुण्य के समुद्र भरे हैं, वह छूटे तब कोई कार्य कल्याण हो। अपने बल बूते प्रयत्न से तो पाप नहीं छूटेगा। कल्याण के मार्ग में दो प्रकार के अधिकारी हैं, एक तो अपने बल पर चलता है, दूसरा भगवान की कृपा पर रहता है। प्रभु सावलिया की कृपा भगवान का भरोसा पकड़ा है, वह ऊंचा अधिकारी है, वह शरणागत है, उसको ही प्रपन्न भागवत आश्रित कहते हैं। और दूसरा अधिकारी अपने बल पर संसार तरना चाहता है, उसको भक्त उपासक कहते हैं। उनके लिए कानून नियम अलग अलग प्रकार से हैं।
उसके कर्मों के अनुसार न जाने कब उसका छुटकारा होगा, नहीं कहा जा सकता। जिसने अपना बल छोड़कर भगवान की कृपा का भरोसा पकड़ा, गुरु प्राप्त किया, ऐसे शरणागत को कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा से सब होता है। परम पद और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम तो बार बार यही उपदेश करते हैं, भगवान की कृपा ही उपाय और भगवान की सेवा ही फल, ऐसा मानना और करना और अन्य कुछ उपाय करने की जरूरत ही नहीं। दुनिया में जितना कर्म धर्म भजन किया जाता है पुण्य पाने के लिए ही लोग करते हैं, सकाम कर्म वे करते हैं, उनमें पाप भी होता है, उस पाप को उन्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने पुण्य बल से वे तरना चाहते हैं और जो दूसरे लोग भगवान के शरणागत है उनके सभी पापों को छुड़ाने की जिम्मेदारी भगवान खुद लिए है। शरणागतों को पुण्यों की जरूरत नहीं। भगवान गीता जी में कहते हैं, तुम्हारे पास पुण्य हो उसे तुम छोड़ दो, पापों को मैं छुड़ा दूंगा। हमारा कहना मानकर फिक्र छोड़ दो, हमारे भरोसे पर रहना। तुम्हें अब कोई भी तीर्थ व्रत करके पाप छुड़ाने की फिक्र नहीं करना है। भगवान के वचन के भरोसे पर रहने वाला कृपावलंबी वह श्रेष्ठ अधिकारी है। शरणागत होकर यदि सोमवती या मकर संक्रांति के दिवस स्नान से पुण्य लाभ होगा ऐसा मानकर स्नान करता है तो शरणागत के लिए कृपावलंबम शरणागति में बाधा हो जाएगी। जो स्वावलंबी उपायांतरी है वह तो पूछता है कि पुण्यकाल कब है, क्योंकि वह पुण्यकाल में नहाता है पुण्य बटोरने के लिए। उस पुण्यकाल में नहा लेने मात्र से वे सब पाप दूर हो सकेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि पुण्य प्राप्ति हेतु पुण्यकाल में नहाने वालों को उसी पुण्यकाल में हजारों स्त्रियां भी वहां बारीक वस्त्र पहनकर नहाती है। उसे वे लोग देखते हैं, उसके मन में अवश्य बुरी भावना होती है, इसीलिए बार बार उन्हीं स्त्रियों की ओर देखते हैं। इस प्रकार वह पुण्यकाल महापापकाल हो जाता है, पाप का भंडार भरता है। संक्रांति पुण्यकाल में पुण्य के लिए तिल दान करते हैं और सस्ता चावल दान करते हैं, यह सब उपांतरियों का हाल है। शरणागत को संक्रांति और कुंभ से क्या प्रयोजन, भगवान की कृपा ही उनके लिए संपूर्ण पुण्य के स्थान है। उसको तो कुछ बांटना हो तो चाहे जिस दिन भगवान की चीज हमारे पास है, हम भगवान के हैं, सब कोई भगवान के हैं, इसीलिए भगवान की आज्ञा से चीज बांट दिया ऐसा सब सोचकर ही बांट देवे। दादी के मरने पर यमपुरी जाते में बीच में वैतरणी नदी को तैरने के लिए गोदान देते हैं, बूढ़ी गाय अथवा 1-1.5 रुपया, उन्हें भगवान की कृपा का भरोसा है ही नहीं, इसीलिए अवश्य यमपुरी जावेंगे। प्रभु क्या करें, वे स्वयं ही यमपुरी जाते हैं, उसी के लिए दान भी देते हैं। शरणागतों के लिए परम पद देने की जिम्मेदारी भगवान लिए है, शरणागत अवश्य ही परम पद जाएंगे। शरणागतों के लिए अपना एक ही मंत्र है, कृपा ही उपाय सेवा ही फल, यह दिव्य मंत्र सदा ही जपना है। भगवान की आज्ञा है कुछ देना तो चाहे जिस दिन दिया जाए, देते समय संकल्प पढ़ने की भी जरूरत नहीं। उपायांतरी लोग मंत्र जप की गिनती करते हैं, क्योंकि उन्हें मंत्र जप करके पुण्य का भंडार भरना है, और शरणागत लोग भी मंत्रमाला जपते हैं, वह तो कर्तव्य समझकर जपता है कि कृपा ही उपाय सेवा ही फल, यह याद रहा आवे। श्री लाल जी का मंगल हो। उपायांतरी लोगों को तो ठीक से एक सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं, एक चीज में उनका ध्यान नहीं है। वे लोग तो श्री अयोध्या जी में रहते हुए भी ग्रहण के समय अयोध्या छोड़कर पुण्य के लिए काशी में नहाने को जाते हैं। अयोध्या जी में पुण्य देने की ताकत न रही, इसीलिए पुण्य लेने काशी दौड़ते हैं। हर एक कार्य में संकल्प पढ़ते हैं। नवग्रह शांति का अर्थ सर्व पाप क्षमार्थम पुण्य प्राप्ति अर्थ, इस प्रकार लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ते हैं और दान में क्या देते हैं,
काला तिल और एक पैसा। ये लोग पुण्य करने का तो डंका पीटते हैं और पापों को तो खूब छिप कर करते हैं। इस तरह पुण्य प्राप्ति की भावना में अहंकार ममकार का निवास है। पहला कृपा ही उपाय, दूसरा सेवा ही फल, तीसरा प्रभु का ही सब कुछ है। प्रभु ही शरीर दिए हैं, सब सामग्री प्रभु ही दिए हैं। चौथा प्रभु की सामग्री से प्रभु ही कृपा करके सेवा ले रहे हैं। सब ज्ञानों का श्रेष्ठ ज्ञान इन्हीं चार पांच उपदेश पर ही है और यही अहंकार ममकार छोड़ना कहा जाता है। इसीलिए श्री गोदम्बा जी बारम्बार कहती हैं कि हम अहंकार ममकार छोड़कर आपके पास आई हैं। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, श्री लाल जी आप सिंहासन पर विराजे, प्रभु आपने कृपा करके यह शरीर हमें दिया वह आज सफल हो जावे। शरीर में पांच विषय है, यह विषय सफल हो जावे। आंख कान मुंह नाक और हाथ, आपकी सेवा से ये सब सफल हो। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, श्री लाल जी आप तो स्वयं किशोर मूर्ति प्रकट हुए हैं और श्री जी के खेत से प्रकट हुई है, कृपा करके आप पधारे विराजे तो हम आपका पूजन करके आपका दिया शरीर जो है उसको सफल करें। हाथ कान नाक मुंह आंख आदि सब सफलित करें। मुंह से हम सब आपका गुणगान करेंगी, हाथ से आपकी सेवा करेंगी, आंख से आपके दर्शन करेंगी, इस प्रकार सब शरीर सफलित होगा। श्री लाल जी अभी नींद से उठे हैं और आकर विराजे हैं। जय हो श्री लाल जी सरकार की, जय हो श्री लाल जी सरकार का, मंगल हो। सभी मंगल मनाती हैं, परस्पर कहती हैं कि हे सखी श्री लाल जी की छवि देखो, सुंदर अद्भुत झांकी है। सभी एकटक दर्शन करती हैं, कहती हैं कि सुदबुद संभाल कर कैंकर्य करने के लिए सावधान तैयार रहे। श्रृंगार सेवा करने के बाद सुंदर शोभा देखेंगे, दर्शन करेंगे। सभी सेवा की दिव्य सामग्री तैयार है। सामान्य गर्म जल से श्री मुख श्री हस्त श्री चरण को धोती हैं, फिर स्नान कराती हैं। कहती हैं, श्री पीताम्बर हम पहराए क्या लाल जी? श्री लाल जी कहे, अच्छा आप ही पहराए, कोई हर्ज नहीं। श्री लाल जी सरकार को पीताम्बर धारण कराई, सभी श्री भूषण मुकुट आदि श्री लाल जी को धारण कराए गए। अति दिव्य सुगंध युक्त धूप और दीपक जलाई, बढ़िया इत्र अर्पण करी। श्री लाल जी के दिव्य श्री विग्रह से स्वाभाविक ही दिव्य सुगंध प्रकट होती रहती है, परंतु हस्त को सफल करने के लिए इत्र लगाने की सेवा की जाती है। श्री अंग पर सुंदर साल दुपट्टा उड़ाए, नैवेद्य में केसरिया लड्डू पवाने को कहती है। हम पवाए ऐसी भी सखियां कहती हैं। कोई कहती हैं, प्रथम श्री जी को पवाकर फिर श्री लाल जी को पवाए, प्रेम दशा में तो अधरामृत रसपान होता है। श्री लाल जी महाराज की जय। सखियों की प्रेम पूर्ण सेवा से श्री लाल जी प्रसन्न है। अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा लड्डू सभी सखियां पवाती हैं, कहती हैं, अरे लाला तो बहुत भूखे हैं, ईश्वर का दिया सब कोई खाते हैं, पर चेतन जीव ईश्वर को प्रेम सहित खवाना नहीं जानते। श्री लाल जी की जय हो। ईश्वर तो प्रेम के भूखे हैं, सच्चे प्रेम चाहिए। आश्रित जो भी हो, अहंकार ममकार रहित शुद्ध प्रेम से जो कोई भी भगवान को पवाता है, भगवान उसे पाते हैं। वे लोग सब सखियां प्रेम से पवा रही हैं और श्री लाल जी प्रेम से पा रहे हैं। समझने की बात है कि दुनिया के लोग अपने जवाई कंवर साहब को जिस प्रकार प्रेम से मनोहार करते हुए प्रेम पूर्वक भोजन खिलाते हैं, उसी प्रकार कभी कोई भगवान को नहीं खवाते हैं। श्री विदुरानी जी के प्रेम भाव से दिए हुए केले के छिलके और भाजी को भगवान बड़े प्रेम से बखान बड़ाई करते हुए पाए। वृंदावन में गोपियों के यहाँ प्रेम से पाते थे। जो गोपियां विशेष प्रेम करती थी उनके यहाँ जबरदस्ती से अथवा चोरी से माखन मिश्री दही छाछ श्री लालजी पा लेते थे। इसी से खूब रुष्ट पुष्ट थे। मथुरा में श्री लालजी क्रूश दुबले दिखते थे,
देखकर उद्धव जी पूछे, दुबले होने का क्या कारण है? तो श्री लाल जी जवाब दिए, यहाँ पर यशोदा मैया का वह प्रेम पूर्ण प्रसाद माखन रोटी दूध मिश्री नहीं मिलता है। श्री यशोदा मैया रात में ही 4 बजे उठकर हमें सर्वप्रथम दूध माखन पवाती थी। दुनिया को कुछ पता ही नहीं लगता था, मैया प्रेम से गुपचुप पवाती थी। वैसा अब यहाँ मथुरा में नहीं मिलता है, यही दुर्बलता का कारण है। प्रेम दशा में प्रभु भूखे भी रहते हैं और पाते भी खूब हैं। सखियां श्री लाल जी को प्रेम से पवाई, श्री जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। इस प्रकार मंगल मनाती हुई श्री लाल जी को जल पिलाती है, हाथ में साफी लिए है श्री जी, सुंदर पापड़ पवाती हैं, बड़े प्रेम से श्री लाल जी पा रहे हैं। सुंदर चमक असली स्वर्ण के समान और एक के बाद दूसरी कांति बदलती है। श्री दर्शन इस प्रकार सखियां कर रही है, श्री साफी से श्री मुख पहुंचती हैं, जल पिलाती हैं, पान बीड़ा तांबुल जिसमें जायफल केसर इलायची पड़ी है, जिसके डंठल और नस निकाल दिए हैं, ऐसे मुलायम तांबुल को सखियां श्री लाल जी के श्री मुख में देती पवाती हैं। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री लाल जी की जय हो। श्री विग्रह की श्री सुंदर छटा का आरती में दर्शन होता है, झांकी दमदम दमकती है, सब दर्शन करती हुई कहती हैं, जय श्री लाल जी सरकार की, अपूर्व शोभा हो रही है। श्री लाल जी श्री चरणों में रत्न जड़ित कड़े पहने हैं, श्री लाल जी रत्न जड़ित कडोरा करधनी पहने हैं। सरकार श्री लाल जी के श्री चरण कमल का मंगल हो, ऐसा सब सखियां बोलती हैं। लंका के दुष्टों का नाश किया और उन श्री चरण कमल का मंगल हो, गिरिराज धारण किए उन श्री हस्त कमल का मंगल हो, आश्रित जन रक्षण गुण का मंगल हो, श्री दिव्य आयुधों का मंगल हो। इस प्रकार मंगल मनाती हुई एक टक नजर से दर्शन कर रही हैं। श्यामली सूरत माधुरी मूरत का दर्शन कर सब सुधबुद भूल रही हैं। श्री लाल जी कहते हैं, आप लोग पर हम बहुत खुश है, यह लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, तांबुल पान बीड़ा भी स्वादिष्ट है, उसमें श्री जी का ओष्ट लगा हुआ है। श्री गोदम्बा जी का मंगल हो, यही प्रयत्न करके सबको लाई हैं। इन्हीं का प्रताप इन्हीं की कृपा है जो कि हम सब लोग आपकी सेवा में पहुंच सकी है। श्री लाल जी कहते हैं, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, हमसे जो इच्छा हो कुछ मांगिए। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, क्या आप जरूर देवेंगे? हम तो यही मांगती हैं कि हमारे पर आपकी श्री कृपा है वही सदा बनी रहे और आपकी सेवा वही हमारे लिए एकमात्र फल है, यही वरदान दीजिए, सदा के लिए यही दिया जावे। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, आपकी कृपा ही देवे। प्रभु जी ने कहा कि वह तो पहले से ही दे दिया है, जो नहीं दिया है वह मांगिए। आप लोगों ने हमारे लिए मंगला शासन क्यों किस उद्देश्य से किया है? वे कहती हैं कि कोई उद्देश्य मतलब नहीं, परंतु हमारा स्वरूप है कि आपका मंगला शासन करे, श्री चरण का मंगल हो, चिरंजीवी हो, आप आराम से रहे, हम आपको देखे, इतने ही मतलब के सिवाय और कोई दूसरा मतलब नहीं है। हजारों प्रकार की स्तुति प्रार्थना करना एक तरफ और श्री लाल जी का मंगल हो ऐसा मंगला शासन एक तरफ, आत्मा का शुद्ध स्वरूप भगवान का मंगला शासन करना ही है। आपके मिलने के लिए आपकी कृपा ही उपाय है, प्रत्यक्ष प्रभु सामने ही है, अब कौन सी सामग्री चाहिए? प्रभु को छोड़कर और क्या वस्तु चाहिए? आपका श्रीमुख चुमे, आपको सदा खिलावे पिलावे, आपके श्री चरण हमारे हृदय में सदा निवास करे, सदा अपनी सेवा हमें देवे, यही मनोरथ है। अब फिर आगे और कहा जाएगा।